नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा उतारेगी लोकसभा के चुनाव मैदान में बड़े सितारों को। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया है। भाजपा के नज़दीकी सूत्रों के अनुसार प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, लोकसभा हरियाणा के प्रभारी कलराज मिश्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला सहित अनेक बड़े नेता इस मंथन बैठक में शामिल थे। इस बैठक के बाद भाजपा सूत्रों ने जो जानकारी दी है वह चौंकाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 सीटों में से कम 4 सीटों पर बड़े सितारे चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। इन बड़े सितारों में भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के अतिरिक्त पंजाबी के सुप्रसिद्ध गायक हंसराज हंस, भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह शामिल हैं। उधर जींद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के कम 4 वर्तमान सांसदों ने अपना मन बदलते हुए भाजपा की टिकट अपने लिए अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए मांगनी आरंभ कर दी है। इनमें से करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा, जो पहले स्वयं ही चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं, अब अपनी धर्मपत्नी के नाम टिकट मांग रहे हैं। अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया की अगर टिकट कटती है तो वह अपनी पत्नी के नाम टिकट चाहते हैं। हालांकि पार्टी इस सीट पर हंसराज हंस को उतारने का मन बना चुकी है। भिवानी के सांसद धर्मवीर पहले चुनाव न लड़ने का मन बना चुके थे, मगर अब जींद चुनाव में भाजपा की जीत के साथ साथ लोक लुभावन बजट आने पर पुनः चुनाव लड़ने की मांग करने लगे हैं। जबकि पार्टी भिवानी सीट पर जनरल वी के सिंह अथवा शिक्षा मंत्री रामलीला शर्मा में से किसी एक को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। उधर भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग को, जो झज्जर के रहने वाले हैं, रोहतक सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक का मन भी बदलने लगा है, वह भी पुणे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि पार्टी इस बार भाजपा में शामिल होने वाले एक बड़े नेता को टिकट दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कभी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में रहे अरविंद शर्मा भाजपा में शामिल हो सकते हैं अथवा उन्हें सोनीपत से टिकट मिल सकती है। भाजपा करनाल से संजय भाटिया को चुनाव मैदान में उतार सकती है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर व गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह के प्रबल दावेदार हैं। उधर सिरसा से सुनीता दुग्गल व कुरुक्षेत्र से हिमाचल के राज्यपाल देवदत्त अथवा कांग्रेस के दिग्गज नेता जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं को टिकट दे सकती है। और इसी के साथ देखिए पल पल की यह है खास रिपोर्ट।